आर्या भाग के आएगी अभी इधर से। नाको तने वो चने चबाना हो गया था। इंडिया की याद आ गई पूरा। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। वेलकम टू दुब्रोवनिक। एक पार्किंग टिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वैसे दुब्रोवनिक में पार्किंग बहुत ज़्यादा महंगी है, बट ये एक पार्किंग हमको मिली है, सिटी पार्किंग दुब्रोवनिक लिख के अगर आप देखोगे तो मिलेगी। इसमें यहाँ पे 10 कूना पर आवर है, जो कि आई थिंक काफ़ी चीप है, क्योंकि बाकी जगहों पे 70 कूना 40 कूना 50 कूना ऐसे है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी बज गए हैं 2 और हम लोग सुबह तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, फिर ऐसे ही बस आलस आलस में, क्योंकि अभी टेक्निकली आज और कल का दिन बचा है, फिर वापस निकलना है, तो हम लोग ऐसे वी वर टेकिंग इट ईजी। तो अभी हम लोग आए हैं दुब्रोवनिक के सिटी सेंटर और अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। जैसे वो गेम ऑफ थ्रोन्स का टूर लेने का ऑप्शन है, फिर उसके अलावा ये सिटी की जो वॉल्स हैं उस पर वॉक करने का ऑप्शन है, और क्या ऑप्शन है ऊपर जाने और वो का केबल कार वाला ऑप्शन है जो हिल टॉप पे हाँ। जा सकते हो आप इसके। और आज बहुत मतलब क्या बोलते हैं इतने दिन से कड़ाके की धूप खा के वो पक अच्छा मुझे हैं। लगा हाँ। धूप के बारे में बात करने वाले हैं। रेस्टोरेंट पे खाने का प्लान है तो वो भी ढूंढेंगे। और हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है यार, एकदम ऐसे पसीना और चिपचिप हो गया है, सर गर्म हो रखा है मेरे तो। हाँ, आपको डॉक्टर ने कहा भी था कीप योर हेड कवर, टोपी आपने ली नहीं, मैंने अपनी ले ली। वो वहाँ पे टूरिस्ट का जो इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है वो वाला है, वहाँ चलते हैं और वहाँ कुछ पूछते हैं कि भाई इसकी जो सिटी वॉल्स है इसकी क्या टिकट्स हैं और कहाँ मिलेंगी। आई होप यहाँ पे मिल जानी चाहिए, और इधर होटल्स वगैरह, ये बस स्टॉप भी मिल जाएगा, अगर आपने नियर बाई कहीं पे होटल ले रखा है तो आप वहाँ से बस लेके आ सकते हो। बस की आई थिंक डे पास आपको 30 कूना में पड़ जाएगी, जो ऑलमोस्ट 4-5 यूरो के आसपास है, और अगर आप वन साइड टिकट लेते हो तो अराउंड 12.5 क्रोएशियन कूना। तो हमने ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से ये मैप वैप ले लिया है, कुछ कुछ समझ लिया है कि क्या क्या यहाँ पे देखने लायक है, क्या क्या चीज़ें गेम ऑफ थ्रोन्स वाले टूर में इंक्लूड होती हैं जो कि हम खुद से देख सकते हैं, तो अभी सोच रहे हैं। बट मीनवाइल ये जैसे यहाँ का जो सिटी वॉल्स हैं उसकी यहाँ से एंट्रेंस शुरू होती है और यहीं से अंदर पूरा ओल्ड टाउन है। ये इस जगह का नाम है पाइल गेट, तो ये मतलब बेसिकली वही है, एंट्रेंस है, इसके अंदर पूरा ओल्ड टाउन है, यहीं से वॉल सिटी की जो वॉल्स हैं वो शुरू होती हैं। और यहाँ पे भी गेम ऑफ थ्रोन्स के कोई तो एक सीन की शूटिंग हुई थी, इसमें दिखा रहा है, अभी याद नहीं है, गेम ऑफ थ्रोन्स जितना पहले देखा था भूल गए, तो इसलिए वो इतना क्रेज़ भी चला गया कि गेम ऑफ थ्रोन्स का टूर लें। और बाकी मैं क्या बताने वाली थी, हाँ, हम जा रहे हैं अभी पहले इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि ज़दार वगैरह में तो थे नहीं, तो बहुत मन कर रहा है इंडियन खाना खाने का अभी, तो पहले वहाँ जाते हैं और उसके बाद में फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या घूमना है। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये देखो, ये नींबू और संतरे के कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, ये ऑरेंजेस हैं जो कि टंगे टंगे सूखने को आ गए हैं, कोई तोड़ नहीं रहा है इनको। शिल्पा गर्मी लग रही है क्या? हाँ, ओके चलो, इंडिया की याद आ गई पूरा, वो ऐसे ऐसे पन्नों से ऐसे ऐसे करके चले, चलो पधारे पधारो। काफी लोग इसकी ना संतरों की फोटो भी ले रहे हैं, तो क्या पता कुछ स्पेशल ही होगा, तो हम लोगों ने सोचा हम लोग भी इसकी ना फोटो वोटो ले लेते हैं। और यहाँ पे सीढ़ियाँ जो इन वॉल्स पे चढ़ने की ना, काफी ऐसे स्टीप और मल्टीपल सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, और ये पूरे सिटी के चारों तरफ है ये वॉल, और इसके अंदर पूरा ओल्ड टाउन है। तभी तो शिल्पा इसका नाम सिटी वॉल्स है।
हाँ हाँ मतलब लेकिन चारों तरफ, जैसे वहाँ गए थे ना रोटनबर्ग में, वो भी थी ना सिटी वॉल्स थी, बट वो चारों तरफ थी क्या? आई थिंक नहीं थी, पूरा अच्छा चारों तरफ नहीं थी, एक ही साइड थी। आर यू श्योर? आई थिंक सो। अपन उस पे पूरा नहीं चले, बट हाँ वो शायद एक ही साइड होगी, एक ही साइड थी वो टॉबर के, उसका ड्रोन वाले वीडियो में देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी दोबारा, बट इसके चारों तरफ है सिटी के। वाह शिल्प, काफी टिपिकल जो बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं ना, यूरोपियन स्ट्रीट, वो की वही है कि गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं आ सकता, बस आप वॉक कर सकते हो, पूरा पूरा इनक्रेडिबल इंडिया। और पत्थरों की तो इस देश में कोई कमी नहीं है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, बट ये स्ट्रीट में चलना काफी सही ऐसे वाइब है ना। अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट 7 दिन बाद में इंडियन खाना खाने को मिल रहा, तो बहुत एक्साइटेड है, टेस्ट करके बताती हूँ कैसा, आई होप अच्छा हो। लाजवाब मेरे दोस्त। थक गए क्या खा खा के, पसीना निकल रहा है भाई। शिल्पा ने ऑर्डर कर दिया, कौन सी वाली? एक्स्ट्रा स्पाइसी। यहाँ पे तो नाको तने वो चने चबाना हो गया था। बट कैसा लग रहा है देसी खाना खा के 7 दिन के बाद में? मजे आ गए? मजे आ गए भाई। हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ तो सारी पतली पतली गलियों में तो मुझे यही लग रहा है आर्या भाग के आएगी अभी इधर से। यहाँ पे जैसे सारी जितनी भी गलियाँ हैं इस साइड में, सब में जैसे नैरो स्ट्रीट्स हैं, और एकदम ऐसे स्टीप स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए, काफ़ी सही, लेकिन ऐसे देखने में अमेजिंग है। यहाँ पे चिड़ियाएँ कुछ अनगिनत सी लग रही हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रही हैं। ये भी इस गेम ऑफ थ्रोन्स का थ्रोन तो नहीं ढूंढ रही है कभी शिल्पा? आर्या स्टार्क को ढूंढ रही है क्या? अरे वो फिर यहाँ पे काफी सारे टूर्स भी चल रहे हैं गाइस। अगेन यहाँ पे अगेन वो सीढ़ियाँ दिख गई आपको, काफी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे। ओह ये काफी ब्यूटीफुल बिल्डिंग आई है, ये कुछ काफी फेमस सी बिल्डिंग लग रही है। हमको कुछ नहीं पता क्या फेमस है, किधर क्या है, बस नहीं मैप लेके आए, अच्छी लग रही है। मैप तो लेके आए, मैप किधर है? मैप आपके वॉलेट में मिलेगा, और वहाँ पे कुछ 3 और 35 कुछ तो लिखा हुआ है। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली जी, क्या किस चीज़ की स्मेल आ रही है भाई, ये सांस नहीं लिया जा रहा इधर। लाइव है। हाँ जी शिल्पा बताओ। कबूतर कितने सारे हैं, उड़ गए सारे, मुझे इनके साथ में रील बनवानी थी कुछ तो करके। हमने डिसाइड कर लिया है कि हमको यहाँ पे डुब्रोवनिक में क्या करना है, तो बेसिकली बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद में निष्कर्ष ये निकला है कि वहाँ ऊपर जाना वर्थ इट नहीं लग रहा है जितना वो टिकट ले रहे हैं। आई थिंक 20 यूरो के आसपास है, 25 यूरो। हाँ 25 यूरो है वहाँ ऊपर जाने की, तो हमको वर्थ इट वो तो अपने को वहाँ से गाड़ी से आते हुए भी दिख गया था। होटल जाते हैं तो हम गाड़ी से एक्चुअली काफी ऊपर से जाते हैं, तो वहाँ से हमको ऑलरेडी सेम सिटी दिख रहा है। हाँ नीचे का पूरा जो क्लिफ है, आइलैंड्स है, ओल्ड टाउन है, सब दिख गया, तो वो हमने काट दिया। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है कि आपको ये वॉल का जो वॉक लेनी है क्या, तो वो भी हमको ऑप्शन इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वॉल का वॉक में भी आपको क्या ही दिखेगा, आपको ओल्ड टाउन दिखेगा ऊपर से, जो कि हमको ऊपर से वैसे भी दिख गया, तो वो भी हमको 20 यूरो नहीं देने हैं। वो 30 यूरो का है शिल्पा, 30 यूरो पर पर्सन, बिल्कुल नहीं देने हैं। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन, एक्चुअली 30 भी नहीं है, 32-33 यूरो पड़ेगा। ओहो हो, वॉल पे चलने का 1.5 घंटे, वो भी बिल्कुल नहीं दूंगी। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है गेम ऑफ थ्रोन्स का टूर ले लो, तो गेम ऑफ थ्रोन्स की मैं फ़ैन हूँ, लेकिन अब मुझे याद भी नहीं है, पहले ख़त्म हो गया, अब मुझे याद भी नहीं है वो सीन, और सेकेंडली मतलब द थिंग इज़ हमने गूगल पे देख लिया कौन से स्पॉट्स हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के शूटिंग के, वो हमने ये मैप में खुद से ढूंढ लिए कहाँ कहाँ हैं, तो हम खुद से जाके और अपना खुद का टूर कर लेंगे। हम टूर गाइड को मतलब वो एक एग्जैक्ट एक स्पॉट देखना हमको नहीं है, 5-6 मतलब जो भी हैं मिलेंगे यहाँ पे घूमते घूमते, वो हम देख लेंगे। तो ये है निष्कर्ष निकला है कि बेसिकली हम कुछ पैसे नहीं देंगे, फ्री में डुब्रोवनिक घूमेंगे, 100 की 1 है। बहुत ही सुंदर बोला शिल्पा, अच्छा बोला। ऐसा कुछ जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ बहुत महंगा है और वर्थ इट नहीं लग रहा है यार। सिर ठंडा करना हो ना तो ये बढ़िया इंतजाम है, सिर पे के ऊपर डायरेक्टली टोपी अटैच कर ली यार इस बंदे ने, ये मैं अगर कर लेता तो मेरा ठीक रहता है मकार्स के अंदर, वो जा रहा भाई मेरा। ये मिल गई है द वेरी फेमस स्टेयर्स, इसका नाम है उलिसिया जेजुइट कुछ, तो मतलब क्रोएशियन लैंग्वेज में अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा पता नहीं, बट ये वो जो गेम ऑफ थ्रोन्स में सरसी का वॉक ऑफ शेम होता है वो वाली स्ट्रीट है, वो वहाँ से उतर के और नीचे आती है, और सब लोग शेम 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 करते हैं, शेम शेम पप्पी शेम, तो अब हम भी जाएंगे वहाँ और मैं सचिन के चलो शिल्पा आगे बढ़ो शेम। मैं ऐसे कुछ नहीं करना है, आराम से आगे बढ़ो। और मेरे को ऐसा शेम बोलने में आपको अजीब क्यों लग रहा है? फ्लाइंग अब्रॉड को उड़ा दो वहाँ से। मतलब वहाँ से वो ड्रोन उड़ा दो ना। ओके गाइस यहाँ पे डुब्रोवनिक में ड्रोन नहीं उड़ते, ड्रैगन उड़ते हैं।
अच्छा बोलने की कोशिश करी यार उस जमाने में, लेकिन काफी ऐसे राजे महाराजे उतरते होंगे क्या यहाँ से? हजीम और शान शहंशाह नहीं लिटरली, मतलब एक बार अगर सोच के देखें तो स्टेयर से ऊपर आने के बाद में कुछ ऐसा लगता है, काफ़ी आई थिंक टूटा फूटा मामला लग रहा है यार यहाँ पे। आई डोंट नो इनकी मरम्मत करके इन्होंने एकदम अच्छी कंडीशन में क्यों नहीं किया है। ये वाली बिल्डिंग फिर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में लग रही है, और जैसे नीचे भी देखोगे आप तो इन्होंने आई डोंट नो ऐसा ही रखा है वापस से, इसको बना सकते थे ये लोग, कितना पत्थर है इनके कंट्री में। तो चलते चलते बहुत गर्मी लगने लग गई थी और आइसक्रीम की शॉप्स यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी हैं और बहुत फैंसी फैंसी दिख रही थी, तो सोचा आइसक्रीम खाई जाए। तो हमने ये वाली आइसक्रीम ट्राई करी है एंड ये कुछ अलग ही है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्रीमी और थिक टेक्स्चर है, बहुत अलग है जो नॉर्मल आइसक्रीम्स होती हैं उनसे। तो अगर आप दुब्रोवनिक आते हैं तो ज़रूर ये आइसक्रीम यहाँ पे ट्राई करें। और हमने लिया है पिस्ता फ्लेवर जो कि इनका वन ऑफ द बेस्ट है, वो शॉप वालों ने रेकमेंड किया जो कि बहुत अमेजिंग है। कबूतर डरते नहीं है यार बिल्कुल भी, ये देखो और वो जो पीछे आप टावर देख रहे हैं उसका नाम है फोर्ट मिनसेटा। प्लीज डोंट कोट मी ऑन द प्रोनंसिएशन, बट वहाँ पे भी गेम ऑफ थ्रोन्स की वो शूटिंग हुई थी आई थिंक सीजन 2 में, जब डेनेरिस के शायद ड्रैगन स्टोरी हो जाते हैं तो वो यहाँ आती है द हाउस ऑफ अनडाइंग, और आई थिंक बहुत फेमस सीन है वेज माई ड्रैगन ऐसे करके वो ढूंढती है अपने ड्रैगन्स को, वो वहाँ पे शूट हुआ था। वहाँ पे पूरी वो जगह भी अराउंड ऐसे सर्कल लेने की, हम लोग नहीं गए बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं वहाँ। वो जो पीछे आप देख रहे हैं वो भी यहाँ का काफ़ी एक फेमस फोर्ट है देखने के लिए, उसका नाम है फोर्ट लुवरी येनेक या लुवरी जेनेक, अगेन डोंट कोट मी ऑन द प्रोनंसिएशन, बट वहाँ वो भी मतलब एक देखने के लिए काफ़ी फेमस है। और वहाँ पे भी गेम ऑफ थ्रोन्स की जितनी भी जो द रेड कीप दिखाया है ना उसकी सारी शूटिंग वहीं हुई है, और अभी गूगल पे ऐसे ही देख रहे थे उसके बारे में तो पता चला है कि वो आप रेंट भी कर सकते हैं एक दिन के लिए 4,000 यूरो में शादी वगैरह के लिए। इंटरेस्टिंग ना, और ये काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पे देखने में, जैसे ये पत्थर वगैरह जो पानी के बीच में है वो क्लिफ सी बन रही है वहाँ, उसके ऊपर वो फोर्ट है, और अगेन ये थोड़ा सा जैसे ये ऐसे लग रहा है जैसे हॉर्स का फेस बन रहा है, यूनिकॉर्न जैसा नहीं लग रहा है ये एकदम कॉर्नर पे जो है वो, हाँ ये वाला एकदम ऐसे हॉर्स का फेस बन रहा हो वैसा लग रहा है मुझे। और पानी की क्लैरिटी देखो आप कितना ज़्यादा साफ़ है, ये यहाँ पे कायाक्स वगैरह पड़े हुए हैं तो उनके अंदर का पूरा ऐसे क्लैरिटी दिख रही है, और सारे स्टोन्स वगैरह एकदम साफ दिख रहे हैं। क्रोएशिया की ये बात तो बोलनी पड़ेगी, जो पानी का कलर है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। ये वाले पत्थर की शेप मुझे एकदम ऐसे लग रही है वो ऊंट ऐसे थक के नहीं बैठ गया हो जैसे, वैसा आप लोगों को भी लग रहा है क्या? और वो कायाक्स आ गए वहाँ पे। ये सिटी साइट सीइंग की बस भी है यहाँ, तो ये पूरा 1 आवर का सिटी टूर करवाती है आपको, तो आप चाहो तो ये भी ले सकते हैं। लुक्स लाइक वहाँ पूरी एक बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है कि उनको कैसे कायाकिंग करनी है, और उन्होंने सारे अपने बोट्स वगैरह यहाँ निकाल लिए और इतने सारे लोग रेडी हो गए तो वो अभी जाएंगे कायाकिंग करने के लिए, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। दुब्रोवनिक का टूर हो गया है, अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो अब जाएंगे होटल और रेस्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, वो जो पीछे बस खड़ी है वो आएगी अभी ऐसे घूम के और फिर वो बस लेंगे और फिर वहाँ से पार्किंग में जाएंगे। ओके सो चलते हैं, गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगी आज पूरे दिन के अंदर। दुब्रोवनिक आई थिंक अगर आप प्रॉपर समर में आ रहे हो तो आई थिंक शाम में और सुबह घूम लो, दोपहर में बढ़िया खाओ पियो आराम से होटल में रेस्ट करो, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, हमको लगा था मतलब पता नहीं कितने घंटे लगेंगे घूमने में, और 2-3 घंटे में आई थिंक हो जाएगा पूरा। और आई थिंक अपना फंडा ये भी रहा ना, जर्मनी से आ रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही ठंड थी वहाँ पे, तो लगा कि जो भी गर्मी आने दो, बट आई थिंक टू मच गर्मी जब आने लगती है तो फिर लग जाती है। और प्लस यहाँ पे कोई हवा भी नहीं है, मतलब हवा भी यहाँ पे काफ़ी कम चल रही है तो एकदम ऐसे ह्यूमिड, क्योंकि सी है तो ह्यूमिड और गर्मी थोड़ी ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाई। और ड्रोन के लिए लेकिन हवा काफी अच्छी थी। हाँ। ड्रोन उड़ाने में बड़ा मजा आया। ड्रोन के लिए यहाँ काफी फेवरेबल कंडीशन है, जर्मनी हाँ। में हवा रहती है तो उड़ ही नहीं पाता है ड्रोन। जर्मनी में चलती है 26-27 या फिर 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे मुझे लग रहा है 0.1 काफी अच्छा है। तो फिर चलिए, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और जो भी आपके सवाल हैं जर्मनी के रिगार्डिंग या फिर क्रोएशिया में घूमने के रिगार्डिंग जरूर कमेंट में हमें बताओ, हम लोग कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बी सेफ, बाय।